कभी आपने देखा एक रोल्स रॉयस का मॉन्स्टर ट्रक? नहीं, तो आज देख लो इसकी एक बार हाइट। गाड़ी में बैठ के दरवाजे ऐसे बंद करने हैं। जैनिन क्या कह रहा है, प्रेजेंट और फ्यूचर? Subscribe to YPM Vlogs and click the bell icon. Wait, so what is up guys? YPM Vlogs back here. तो फिल्म में अभी वो गिवोरा होटल के अंदर और अपनी ब्लॉग की हो रही है स्टार्टिंग कार म्यूजियम से, लेकिन वीडियो के भी करेंगे स्टार्टिंग एक बड़ी अच्छी धमाकेदार गाड़ी से जो मैं करने वाला हूँ आज ही रेंट, जो कि मेरी अगली होने वाली है ड्रीम सुपर कार। मेरे पीछे यहाँ पे बैटमोबाइल है और इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, पूरी फोटो देखो यार। तो बस आपको एक बार पूरा ये दिखाता हूँ और फिर अपनी करते हैं कार रेंट, सो लेट्स गो। Well, so what's up guys? YPM Vlogs back here. जो ये नीचे वाला फ्लोर है इस पर सारी खड़ी हुई है, विंटेज डॉज हो गई, मस्टैंग हो गई, और आपको मैं एक वो वाली गाड़ी दिखाता हूँ। इसका इंजन इतना भारा है, वो इसको बंदा चलाता कैसे होगा गाड़ी को? और इसके साथ में एक मॉन्स्टर ट्रक, और यहाँ पे एक लैम्बोर्गिनी का काफ़ी ही ओल्ड मॉडल खड़ा हुआ है। मैं उसका नाम बताऊँ आप गाइस कमेंट्स के अंदर कि इसका नाम क्या है गाड़ी का? कभी गाइस आपने एक F1 देखी, एक सर्किट के बाहर, ट्रैक के बाहर? नहीं ना, दुबई में सब कुछ दिख जाता है। और ये देखो मित्सुबिशी पोर्श, वहाँ पे एक 911 भी खड़ी है, और यहाँ पे एक रोल्स रॉयस का मॉन्स्टर ट्रक भी है, और यहाँ पे तो और भी पुरानी गाड़ियाँ हैं। देखो फोर्ड 1912 की गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे। भाई दुबई में इतना लग्जरी लाइफ स्टाइल है, इतना लग्जरी लाइफ स्टाइल है कि आप जब यहाँ पे एक बार खुद आओगे तो दुबई आ चुके उनको पता है। यहाँ पे एक फरारी भी खड़ी हुई है, उसका नाम मॉडल कंफर्म नहीं कौन सा है, बट यहाँ पे एक JDM है, निसान GTR। अभी जस्ट कॉल आया मेरे को भैया का कि मैं नीचे आ चुका हूँ गाड़ी लेकर के, तो बस चलते हैं, करते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रेडी और अपनी जाके पिक करते हैं ड्रीम का जो भी नेक्स्ट कार आने वाली है। गाइस ये है मैकलेरेन 570S जिसने आज रेंट करी है, जब भी आप गाड़ी रेंट पे लेते हो ना तो इनसे आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि कहाँ का गाड़ी लगी हुई है, फिर खुद से पूरी वीडियो बनाना गाड़ी की, वो सबसे सही रहता है। बिकॉज आप इनको डिपॉजिट पे करते हो बाद में कुछ बोलें, एग्जाम्पल जैसे गाड़ी यहाँ से लगी हुई है, अलॉयज पे लगी हुई है, तो पूरी गाड़ी की ना वीडियो बना लो। गाड़ी में बैठ के दरवाजे ऐसे बंद करने हैं, उसके बाद में यहाँ पे ये बटन है स्टार्ट इंजन स्टॉप का, और ये गाड़ी हो गई ऑन। ये इसका पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसमें सब कुछ है, रेडियो मैप्स वगैरह सब कुछ। तो ये इसका सामने क्लस्टर। बस अब गाइस चलते हैं कहीं ना कहीं। एक जगह पर आए हैं और यहाँ पे अपनी कार दी है, अब ये कहाँ पर आया देखना कल के ब्लॉग में। 6.5 hours late. किस किस को बताया कि ये जगह कौन सी है, मेरे को बताना कमेंट्स में। और अब चलो चलते हैं नीचे। अब नीचे तो आ गए हैं यहाँ पे गए थे, और यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और सामने खड़ी है खुराकन यूवीओ। अब हम सीधा जा रहे हैं एटलांटिस द पाम, जहाँ पे शूटिंग हुई थी हैप्पी न्यू ईयर मूवी की, तो वहाँ पे जाकर के थोड़ी सी फोटोज वगैरह खींचेंगे गाड़ी के साथ में। और यार मैकलेरेन क्या लग रही है यार। और ये है टनल एटलांटिस का, और अब ये गाड़ी का पिकअप देखना है एक बार। ये देखो गाइस ये टनल था एटलांटिस का, और आप ये देखो ये मेरे पीछे होटल है एटलांटिस द पाम, और यहाँ पे मैंने खड़ी करी है लाकर की अभी मैकलेरेन। जस्ट हैव अ लुक, कितनी अच्छी लग रही है यार गाड़ी, और साथ में एटलांटिस द पाम। यार हर बच्चा अट्रैक्ट होता है सुपर कार से, हर बच्चा अट्रैक्ट होता है भाई। जब भी कोई बच्चा देखता हूँ ना मैं देखता हूँ अपने आप को बचपन दे रहा कि यार मेरा भी एक ड्रीम था ऐसे सुपर कार का। जब मैं छोटा था ना आई उसे देख के वैसे ही होता था भाई रिएक्शन, तो मैं अपने आप को देखता हूँ यार। बाकी ये सब कार्स देखो एटलांटिस के अंदर कैसे खड़ी होती हैं, वहाँ कलिनन खड़ी है येलो कलर के अंदर, रोल्स रॉयस खड़ी है, ये कॉर कलिनन खड़ी है, वहाँ पर मैकलेरेन 720S खड़ी हुई है, ऐसी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। और फरारी जैनिन क्या कह रहा है, प्रेजेंट और फ्यूचर? यार ये जो गाड़ी है ना ये स्पाइडर है, मतलब कन्वर्टेबल, तो एक बार जरा उसका भी थोड़ा मज़ा उठाते हैं। और यहाँ पे देखो बैजिंग भी है 570S की, और ऐसी अभी लुक्स हैं। और अब जल्दी से करते हैं एक बार गाड़ी को कन्वर्ट और इसको रूफलेस करते हैं। और ये गाड़ी कन्वर्ट होते हुए पापा मीना छोड़ा से चीज़ सिखाई थी, क्योंकि ऐसा अच्छा काम करो कि तुम्हारे छत में छत हो, एक वो छत हटा दी हमने आज। तो यार ये आ गया है JBR, जो मेरा बीच रेजिडेंस। JBR का मतलब भाई सिर्फ लग्जरी है। ये जो एरिया है ना ये मेरा हो गया फेवरेट, बिकॉज यहाँ पे एक तो देखो ये सामने पिज्जा की एड चल रही है हर जगह, ये जो मेरा पिज्जा है ना भाई ये इतना अच्छा था जो मैंने खाया था ला एंटीगा वाला। और आप जरा सामने की बार व्यूज चेकआउट करो राइट साइड के, यहाँ से मतलब जाने का मन नहीं करता मेरा यार जब भी यहाँ पर आ जाओ। लेकिन इस एरिया में बहुत दिक्कत है कि अगर आपने जरा सा भी ध्यान इधर उधर करा तो आपको फाइन कट जाएगा, और यहाँ पे फाइन भी ऐसे ऐसे है जब सबसे महंगा फाइन है दुबई का,
वो यहीं का है। एग्जाम्पल इफ यू ब्रेक द रेड लाइट और सामने अगर ट्राम आ जाए तो उसका जो चलान है वो कुछ 1 लाख दिरहम कुछ का है, समझ जाओ कितने यहाँ पे महंगे चलान है, बिकॉज ये पूरा लग्जरी एरिया है। अभी ना हम जा रहे हैं शेख जायद रोड से, तो अगर आप बिल्कुल जाते हो रन थ्रू तो बिल्कुल लास्ट वाली लेन में हो जाओ। ये लेन ना बिल्कुल जाती रहती है फराटेदार, यहाँ की जो स्पीड है वो है 120, तो मैंने 160 लगाई हुई है, क्रूज कंट्रोल छोड़ रखी है और आराम से गाड़ी चल रही है अपना छठे गियर में। और सामने अब हम जा रहे हैं दुबई मॉल। अभी मैं आ गया हूँ डाउनटाउन एरिया के अंदर जहाँ पे दुबई मॉल वगैरह सब कुछ है, और यहाँ का एक बार व्यूज देखो कैसे कैसे हैं। ये एरिया मेरे को थोड़ी सी देता है फील टाइम्स स्क्वायर जैसी हमेशा। बाकी यहाँ पे एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है सीदन बुराक, आपने आई नो आई एम श्योर कहीं ना कहीं इसकी रील जरूर देखी होगी। तो बस सब कुछ भूख लग रही है, 9 बज चुके हैं और अभी तक हमको पार्किंग नहीं मिल पाई अभी। अगर मैं बात करूँ लैम्बोर्गिनी और मैकलेरन के डिफरेंस के बीच में, तो मेरे को लगा जो गाड़ी का पिकअप है ना, लाइक स्टार्टिंग पिकअप की जो बीच में आता है वो ज़्यादा अच्छा है लैम्बोर्गिनी से। बड़ी मुश्किल थी पार्किंग ढूंढने में आज, बिकॉज संडे का दिन है ना। तो अब जैसे यहाँ पे खड़ी करी है ये, तो सामने एक फरारी भी खड़ी हुई है, ये बस देख लो कि कहाँ पे गाड़ी खड़ी है, बिकॉज भाई ये इतनी बड़ी पार्किंग है दुबई मॉल की कि मैं क्या बताऊँ, अगर यहाँ पे गाड़ी घूम जाती है तो बड़ा मुश्किल होगा मिलना। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ खाने के लिए बकलावा, बिकॉज मैंने वो तीखा दिन से यहाँ पे नहीं खाया, और जब भी दुबई में होता हूँ तो मैं खाता ही खाता हूँ, तो वो कहीं चलते हैं तो ऐसा कुछ खाने का बूट नहीं है, सिर्फ कुछ मिठाई खाऊंगा आज। एक शू रीसेल स्टोर है और यहाँ पे सारे शूज़ अवेलेबल हैं, ईजी 350 वगैरह ये देखो, और जो मेरे वाले हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये देखो ये रहे फोम रनर्स मेरे, और यहाँ पे दे रहे हैं 2000 दिरहम के, और ये रिटेल में आते हैं कुछ 7-8 हज़ार रुपये के सिर्फ, और ये दे रहे हैं 45,000 रुपये के। ये वाले शूज़ मेरे पास पड़े हुए हैं, मैंने आज तक एक भी बार नहीं पहने, और ये बेच रहे हैं 3000 दिरहम के, 60,000 रुपये के शूज़ हैं ये वाले। GoPro 11 लेने का मन था लेकिन पहले तो भाई वो वेरी चीप, और अब जो दे रहा है वो ऑलमोस्ट 22.60 हो गया है, तो अब जो आईफोन से वही सस्ते हैं यहाँ पे, पहले तो मतलब बहुत सस्ते थे लेकिन अब थोड़ा सा महंगा हो गया, तो भाई थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा। यार हमको हमारे दोस्त का ना यहाँ पे ब्रांड मिल गया यार, ये सिटी का नाम नहीं भाई दोस्त का नाम है हमारे। दुबई मॉल में भी रिएक्शन आ रहे हैं यार, ये जो ब्यूटी है ना मेरे को बहुत अच्छी लगी। अगर अपनी गलाडों की जो डोर्स हैं ऐसे खुलते हैं ना तो अलग ही बात होती, लेकिन वही है कि किसी में कुछ है तो किसी में कुछ है। दुबई मॉल से निकलते ही ना बिल्कुल एक भी कैमरा नहीं है, तो इस चक्कर में अभी हमने थोड़ी सी गाड़ी भगाई, भाई पता ही नहीं चलती मैकलेरन इतनी स्मूथ है ना ये गाड़ी, ये देखो पिकअप देखना था एक बार, मतलब इतनी जल्दी चल जाती है पता नहीं चलता, लैम्बो पूरा पता लगता है बिकॉज वो इतनी स्मूथ नहीं है एज कम्पेयर टू मैकलेरन। यू लाइक द कार? अभी मैं पार्क करने आया था होटल में और यार यहाँ पे इनको ये कार पसंद आ गई। अभी मैं रूम में आया हूँ तो आई गॉट सरप्राइज्ड विद दिस व्यू एंड दिस इज 10/10। तो गाइज आप लोगों ने मेरा पूरा आज का व्लॉग देखा, कैसा लगा वो बताना कमेंट्स में। मैंने आज ली थी मैकलेरन 520 जो कि है मेरी नेक्स्ट ड्रीम कार, देखती है ड्रीम में कब तक सच होता है, बट कल हम जाने वाले निकल की गाड़ी को डेजर्ट के अंदर, तो वहाँ पे तो आने वाला है बहुत ज्यादा मजा, तो उसके लिए ब्लॉग करो स्टे ट्यून्ड। बाकी खत्म करता हूँ अपने आज के व्लॉग में यहीं पे, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय एंड स्टे सेफ गाइज।